वहीं दूसरी ओर श्री योग वेदांत समिति भिलाई दुर्ग के तत्वाधान में नारी शक्ति महिला उत्थान मंडल द्वारा संस्कृति रक्षा यात्रा हिंदी भवन दुर्ग से महिला दिवस के निमित्त निकाली गई। नारी शक्ति महिला उत्थान मंडल द्वारा यात्रा के अंतिम चरण में दुर्ग जिला कलेक्टर महोदय को माननीय प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा गया कि एक वृद्ध संत आसाराम बापू की रिहाई की जाए, जिन्होंने संस्कृति उत्थान के लिए अनगिनत कार्य किए हैं, जिनकी उम्र 87 साल की है। एक सच्चे संत को षड्यंत्र के तहत झूठे आरोप में फंसाया गया है। महिला उत्थान मंडल ने बताया कि एक लड़की के झूठे बयानों पर संत को 10 साल से जेल में रखा गया है, परंतु हर साल करोड़ों महिलाओं द्वारा पूरे देश भर में कलेक्टर को ज्ञापन दिए जाते हैं, पर उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है। कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। संत आसाराम बापू को कोरोना हो गया था। हीमोग्लोबिन कम आने के बाद भी इनके इलाज के लिए एक दिन भी पैरोल नहीं दी गई। संत श्री बापू ने धर्मांतरण जैसे गंभीर कृत्य पर भी रोक लगाने का भरपूर प्रयास किया व मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे अनेक कार्य किए। महिला मंडल की यही मांग है कि निष्पक्ष जांच कर निर्दोष संत को जल्द रिहा किया जाए। आज हम सब महिलाएं बापू जी की निर्दोषता व्यक्त करने के लिए हमारे बापू जी पूरी तरह से निर्दोष है, क्योंकि उन्होंने पूरे विश्व के लिए, न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए। तथा कथित सिर्फ एक लड़की के झूठे बयान के कारण एक महान उदार संत को 10 वर्षों से जेल के अंदर कर दिया गया है, और जब सारे देश में नहीं पूरे विदेश की महिलाएं चीख चीख कर 10 वर्षों से बापू जी की निर्दोषता के लिए विज्ञापन देती है, रैलियां निकालती है, तब न्यायालय को सांप सूंघ जाता है। ऐसा क्यों? हमारे देश की न्याय व्यवस्था और मीडिया में इतना तेजी से बदलाव क्यों आ गया है? वो इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है? एक 86 वर्षीय वृद्ध बीमार संत को कोरोना पीरियड में भी न सिर्फ एक भी दिन की न बेल दी गई, न पैरोल दी गई, उनके मानव अधिकारों का बुरी तरह से हनन किया गया। यह पूरी तरह से अमानवतावादी है। इसके लिए हम सब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं। बापू जी ने बाल संस्कार, युवा धन की सुरक्षा, उन्होंने ब्रह्मचर्य का कितना महत्व बताया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर रोक लगाकर, माता पिता पूजन दिवस मनाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार करके लाखों करोड़ों माता पिताओं के दिलों को ठंडक पहुँचाई। जब बच्चे एक दूसरी लड़की को अपने माता पिता की अवज्ञा करके फूल देते हैं 14 फरवरी को, तब उनके माता पिता के दिलों पे क्या बीतती है? बापू जी ने हजारों लाखों करोड़ों माता पिताओं को के दिलों को ठंडक पहुंचाई और वैलेंटाइन डे बंद करवा के माता पिता पूजन दिवस शुरू करवाया। ऐसे महान बापू जी जो सिर्फ हम लोगों की भलाई के लिए ही सोचते हैं, वो इतना गलत कार्य में जब दूसरों को ब्रह्मचर्य का महत्व सिखाते हैं, तब उनके ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाना, यह बिल्कुल शर्मनाक है। हम सब महिलाएं आज न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बापूजी के साथ फेयर प्रोसीडिंग की जाए, उन्हें फिर से न्याय के लिए उनको न्याय देने के लिए फिर से विचार किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बापू जी सुदीक्षित हो और हम बचपन से आश्रम में जाते आते रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी वहाँ पे कुछ ऐसा लड़कियों के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देखा है, बल्कि हम तो अपने घर से भी ज़्यादा आश्रम में खुद को सुरक्षित पाते हैं। जब पूज्य बापू जी के साधक उनके शिष्य गरीबों में जाकर सेवा करते हैं, असहायों को की मदद करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में संस्कारों का सिंचन कर रहे हैं, युवा भाई बहन जो हमारे आज वैलेंटाइन डे के चक्कर में कितने ही अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए पूज्य बापू जी ने कार्य किया है और अपने शिष्यों को भी इतनी गरीबों की सेवा करने की महिमा बताई है, तो एक गुरु की पहचान तो उनके शिष्यों को देख के ही होती है। तो हमारे पूज्य बापू जी की पहचान, उनके बारे में अगर किसी को जानना है तो पहले उनके शिष्यों के बारे में जानिए। अगर उनके शिष्यों में इतनी दया है, सहानुभूति है, तो उनके गुरु कितने महान होंगे। तो हमारे पूज्य बापू जी को झूठे आरोपों में फंसाकर, उनके चरित्र पर गलत लांछन लगाकर उन्हें 10 वर्षों से जेल में रखना, ये केवल भारतीय संस्कृति नहीं समूचे विश्व के लिए बड़े ही शर्म की बात है। और हम सब महिलाओं की ये मांग है कि हमारे पूज्य बापू जी को, विश्व वंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले, उन्हें ससम्मान रिहा किया जाए। फिलहाल संत आसाराम बापू जी को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इनके अनुयायियों का अब भी यह मानना है कि संत श्री निर्दोष हैं
और इनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।